हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर डेप्रिसिएशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों हम बनाएंगे एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ में लेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये अकाउंट होते क्या हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर में कितना हमने एसेट परचेज किया, कितने में सोल्ड किया, ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं हम एसेट्स अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और जो एसेट हमारा सोल्ड हो जाता है उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाते हैं हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए और अब उस क्वेश्चन को करना कैसे है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स ऑन April 1, 2022। मतलब ऑलरेडी 1 April 2022 में हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है। मशीनरी का बैलेंस 60,000 है और प्रोविजन का बैलेंस 36,000 है। इतनी लाइन पढ़ने के बाद बना लेते हैं पहला अकाउंट जिसका नाम है मशीनरी अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमने ऊपर नाम दिया इसका मशीनरी अकाउंट और दूसरे का नाम है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट कर लिया और यहाँ पर हमने मेंशन किया और साफ साफ अपनी फॉर्मेट्स को कंप्लीट कर लिया बेटा। और उसके बाद अब हम चलेंगे अपनी एंट्रीज को नोट करने जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो 1 अप्रैल में हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा वो है हमारी 1 अप्रैल 2022 की। तो हमने लिखा कि भाई 2022 में हम पे पहले से मशीन पड़ी हुई है और उसकी अमाउंट है हमें 60,000। क्वेश्चन को भी देखते जाइए और देखिए हम इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ लिख रहे हैं। और बच्चों प्रोविजन की वैल्यू हमें 36,000 दे रखी है, तो सेम डेट पे हम यहाँ पर 2022 बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे और वैल्यू दे रखी है हमें 36,000। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब सेम डे क्या हुआ, हमने एक मशीन जो हमारे पास कंप्लीट मशीन 60,000 की है उसमें से अ पार्ट ऑफ मशीन 8,400 का सोल्ड कर दिया। जिस डेट में हमने सोल्ड किया है बेटा वही सेम डेट हमने यहाँ लिखी और सोल्ड की एंट्री बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में दिखाएंगे सोल्ड 8400 यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मशीन हमने सोल्ड की ये मशीन हमने 16,000 रुपए की 1 अप्रैल 2018 में खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2018 में। ये आपका वर्किंग नोट होगा, आप लोग फॉर्मेट के बाद या फॉर्मेट से पहले ये वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट है हमने 1 अप्रैल 2018 में ये जो टुकड़ा हमने बेचा ये हमने 16,000 का खरीदा था। तो बच्चों हमने इसको कितना चलाया अब तक, हमने इसे 18 से रन किया होगा 19 तक, फिर उसके बाद 19 से रन किया हमने उसको 2020 तक, 2020 से रन किया 2021 तक और 2021 से रन किया 2022 31 मार्च, और उसी सेम डे मतलब अगले ही दिन 1 अप्रैल 2022 में हमने उसको सोल्ड कर दिया। तो इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब अब तक इस मशीन की परचेज से लेकर सोल्ड तक इसका कितना डेप्रिसिएशन आया बच्चों उसे निकालते हैं। 16,000 का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% 1600 देन 1600 और 1600 हुआ, हमने इसको ऐड किया 12, ये आ गया हमारा 4, दिस इज 2 एंड 6400 का आ गया बच्चों हमारा अब तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये वर्किंग नोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये वर्किंग नोट में कोई भी प्रॉब्लम हो गई बच्चों तो आंसर हमारा टैली नहीं करेगा। अब जो हमने ये आंसर निकाला इसे हमें दिखाना कहाँ कहाँ पर है उसे देख लेते हैं। जहां पर मशीन सोल्ड हुई है
उसके जस्ट नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 6400 लिखेंगे एक तो यहां बच्चों, और दूसरी इसकी स्पेस है प्रोविजन में डेबिट साइड किस नाम से, April 1, 2022, और दिखाएंगे 2 मशीनरी अकाउंट के नाम से, और सेम वैल्यू यहां पर भी दिखा देंगे। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, जो प्रोविजन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम 2 जगह दिखाएंगे, एक जगह दिखाएंगे मशीनरी में, और फिर इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे कहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इतना काम करने के बाद हमें फर्दर प्रोसेसिंग क्या करनी है बच्चों, फिर हमें देखना है कि भाई हमारा जो एसेट था वो 16,000 का था और बिका कितने में, 0,0 ये आ गया 8 और दिस इज 14, हमने इसको ऐड कर लिया और ये हमारा 14,800 में बिका। अब आप ही बताओ बच्चों, 16,000 की चीज अगर 14,800 में बिकेगी तो हमारे लॉस में ही तो बिकेगी ना, इसको 16,000 से माइनस कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1200, और ये 1200 का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस। लॉस को किस नाम से दिखाएंगे, बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में दिखाएंगे लॉस, क्लियर है। अब ये हो गई हमारी उस सोल्ड का कॉम्बो जो हमें 3 कॉन्सेप्ट में दिखाना है, पहला है हमारा जो सोल्ड की वैल्यू, फिर इसके नीचे डेप्रिसिएशन जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, और उसके बाद लॉस। अगर इन दोनों का एडिशन बच्चों 16,000 से कम होता तो हमारा लॉस है जो हुआ, और ज्यादा हो जाता तो यहाँ पर लिखते हैं 2 P&L जो कि हो जाता प्रॉफिट, ठीक है, इसको भूलना मत। अब क्वेश्चन को पढ़ा के उन्होंने कोई और मशीन तो नहीं परचेज की, तो कोई भी मशीन नहीं परचेज की है, तो बैलेंस करेंगे बच्चों इसको 60,000, और इस 60,000 को ही यहाँ ले आएंगे। अब आप ही बताओ बेटा, अगर 60,000 की मशीन में आप 16,000 की मशीन सोल्ड कर दोगे तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 44,000। इसको हम यहाँ पर 31 मार्च 2023 में दिखाएंगे, बाई बैलेंस CD और 44,000 की हम पे मशीन बची 16,000 की मशीन सोल्ड होने के बाद। ये तो बना हमारा एसेट अकाउंट, इसको बंद कर दिया, और वर्ड जो आपकी वैल्यूज है उसको डबल लाइन से क्लोज करना नहीं भूलिए, अकाउंट में काम सिस्टमेटिकली ही करा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब बच्चों जो मशीन 16,000 की बिकी, क्योंकि सेम डे बिक गई तो डेप्रिसिएशन तो हुआ नहीं उसमें, लेकिन 44,000 की मशीन अभी भी हम पे है, तो हमने यहाँ पर लिखा 31 मार्च 2023 और हमने यहाँ लिखा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 44,000 का 10% डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में, तो 4400 उसका डेप्रिसिएशन आया, ऐड किया 004 और 4400 का जो बैलेंस आया उसको हम डेबिट में लेकर आ गए, और इसको 6400 से हमने माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आ गया 34,000 का, जो कि हम बैलेंस करेंगे किससे, 2 बैलेंस CD, और यहाँ पर डेट लिखेंगे 31 मार्च 2023। इस तरह से हम हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाएंगे। लास्ट बचा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बहुत बहुत इजी है, आप देखिए इसको बनाएंगे कैसे, मैं इसके नीचे ही सेम फॉर्मेटिंग ले रही हूँ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अकाउंट का नाम है हमारा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ पर आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी लिख सकते हैं। डेबिट में बेटा यहाँ आ गई हमारी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और बच्चों अब हमने इसमें डिस्पोजल वाली एसेट का केवल डेटा दिखाना है। एसेट में हमारी जो सोल्ड है वो है 1 अप्रैल 2022, यहाँ लिखा हमने 2 बैंक अकाउंट, और जो मशीन सोल्ड हुई है वो कितने की है, 16,000, सेम डे सोल्ड हो गई, हमने यहाँ लिखा 1 अप्रैल 2022, और ध्यान से देखिए आप क्या कर रहा है, ये ट्रायो जो आपने लिखा है इसको एज इट इज उठाना है और यहाँ पर कॉपी करना है। तो कैसे कॉपी करेंगे, उठाइए वहां से बाई बैंक अकाउंट और वैल्यू आएगी 8400, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6400, बाई P&L लॉस 1200, जिसका एडिशन हमारी एसेट के बराबर हो जाएगा, जो एसेट बच्चों हमारी डिस्पोज हुई है, सोल्ड हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को पता नहीं क्यों टिपिकल लगता है,
दो दो तीन तीन बार इसको देखिए, देख देख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जरूर आपको आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और बच्चों अपने फ्रेंड्स को बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, भूलिएगा बिल्कुल भी मत।